राजनीतिक रूप से चर्चाओं में रहने वाली अयोध्या भूमि विवाद फिर से चर्चाओं में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए गठित मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि पैनल किसी स्थायी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लिहाजा ये विवाद मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझ पाएगा और रिपोर्ट का फैसला लेने के बाद इस मामले की 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई तब तक चलेगी जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता। पैनल ने गुरुवार को बंद लिफाफे में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल बनाया था। इसमें पूर्व जस्टिस FM कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सीनियर वकील श्री राम पंचू शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 अगस्त से चलने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोज सुनवाई होगी, जिसको लेकर काफी ज्यादा भ्रम है कि क्या हर दिन यानी 7 दिन सुनवाई होगी या शनिवार रविवार छोड़कर बाकी 5 दिन। तो आपको बता दें कि वास्तव में संविधान पीठ सप्ताह में 3 दिन यानी मंगलवार से गुरुवार तक सुनवाई करेगी, क्योंकि पीठ बाकी के 2 दिन दूसरे मामले देखती है। ऐसे में अयोध्या पर रोजाना सुनवाई का मतलब है कि सुनवाई हफ्ते के 3 दिन चलेगी। यदि इस हिसाब से आंकड़ा लगाया जाए तो महीने में सिर्फ 12 दिन ही फैसले पर सुनवाई होगी। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे। ऐसे में उनके रिटायर से पहले यानी अगले 100 दिनों में मामले में फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। और यदि 6 अगस्त से 17 नवंबर तक का समय देखा जाए तो पूरे 103 दिन का समय है, यानी कि कुल 45 दिन तक सुनवाई चलेगी। और इस बीच तकरीबन 1 दर्जन छुट्टियां भी है, यानी आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 33 सुनवाई होनी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अयोध्या केस में सुनवाई रोजाना की जाएगी जब तक दलीलें पूरी ना कर ली जाए। वहीं मुस्लिम पक्षों की तरफ से पेश हुए वकील राजीव धवन ने कुछ परेशानियों की तरफ इशारा करते हुए सुनवाई में देरी करने का प्रयास किया, लेकिन CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान हम इन आपत्तियों को देखेंगे। धवन ने कहा कि वो मुस्लिम पार्टियों की तरफ से केस में अपना पक्ष रखने के लिए 20 दिन का समय लेंगे। अब सवाल ये कि यदि मुस्लिम पक्ष 20 दिन का समय लेगा तो क्या बाकी पक्षों को समय मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है। इसके तहत संविधान पीठ निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का केस पहले देखेगी। हिंदू पक्ष पहले अपना तर्क रखेंगे जिससे मुस्लिम पक्ष उसका जवाब दे सके। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार तेजी से फैसला लेना चाहता है और उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायरमेंट से पहले ये मामला सुलझ जाए। आपको बता दें कि 2010 में इलाहाबाद में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या का 2.77 एकड़ का क्षेत्र 3 हिस्सों में समान बांट दिया जाए, पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला। अब आपको बताते हैं कि यह मामला कहां से शुरू हुआ और इसके इतिहास को अगर खंगाले तो पता चलता है कि 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते हैं। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। 1853 में पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। 1859 में ब्रितानी शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्सों में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। 1949 में यानी कि जब ब्रिटिश सरकार पलट गई और हिंदुस्तानी सरकार बनी, भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इसका विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया और यहीं से ये राजनीतिक रूप लेने लग गया और धीरे धीरे सियासी रंग में डूब गया। सन 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने संभाल लिया। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने के प्रयास किए, लेकिन अगले वर्ष वार्ताएं भी विफल हो गई। 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2001 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने का अपना संकल्प दोहराया।
फिर जनवरी 2003 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं, लेकिन कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। जून 2003 में ही काची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की अपील की और उम्मीद जताई कि जुलाई तक अयोध्या मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनवरी 2005 में लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। जुलाई 2005 में 5 हथियारबंद चरमपंथियों ने विवादित परिसर पर हमला किया, जिसमें 5 चरमपंथियों सहित 6 लोग मारे गए। हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीक ही मार डाले गए। 6 जुलाई 2005 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी को शामिल करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। इसके बाद इस विवादित भूमि को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियां चलती रही, लेकिन कोई फैसला निकलकर नहीं आया। 26 जुलाई 2010 में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी हुई और हाईकोर्ट ने 3 हिस्सों में भूमि को बांटने का सुझाव दिया, इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता रहा, लेकिन रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस बनने के बाद इसमें तेजी आई और उन्होंने कहा कि इसका फैसला जल्द लिया जाएगा, इसलिए मध्यस्थता पैनल का निर्माण किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में और तेजी लाना चाहती है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 100 दिनों में यानी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की रिटायरमेंट से पहले फैसला आ जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए ईंटें और एक मंजिला निर्माण के लिए सभी स्तंभ और स्ट्रक्चर का डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है। आने वाला अयोध्या विवादित भूमि पर फैसला स्वर्णिम और ऐतिहासिक होने वाला है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।